उसने काफ़ी सारे ड्रिंक्स और नमकीन्स के भी फ्लेवर ट्राई किए, बहुत सारे नमकीन के फ्लेवर डिफरेंट थे। दोनों सहेली है लगता है, इसलिए दोनों को ड्रिंक्स और दोनों को ये चीजें बहुत पसंद है। सारा कुछ, हाँ सारा हमने साथ में विजिट किया है। तो जी सर, तो नाम का क्या कारण है, हृदय शक्ति नाम रखा? ये हमारे हार्ट के लिए काफी अच्छा होता है सर, ये हमारे हार्ट के लिए काफी अच्छा होता है क्योंकि इसमें हमारे अर्जुन की छाल और दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा हुआ है। वहाँ प्रिया मसाले के डायरेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या अनुभव रहा है। ब्रजेश जी स्वागत है आपका पुलिस स्टेशन। धन्यवाद। क्या देखा आपने इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में? देखिए, यहाँ तो वर्ल्ड क्लास की कंपनियाँ आ रही हैं और सब अपने अपने प्रोडक्टों को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को भी ये देखने को मिलता है कि नई नई टेक्नोलॉजी क्या आई है, नई क्या रेसिपी तैयार हो रही है फूड सेक्टर में, ये सारी चीज़ें होती हैं। नई मशीनरी की जानकारी मिलती है, कितनी कम विद्युत में हम लोग कौन सी मशीनरी चला करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं और बिजनेस के नए नए ट्रेड भी देखने को मिलते हैं। ये हर साल होता है? हाँ, अमूमन हर साल होता है कोविड को छोड़ करके, और इसमें पूरे विश्व से कंपनियाँ आती हैं और अपनी अपना प्रतिभाग निभाती हैं और पूरे विश्व का एक व्यापारिक सम्मेलन कह सकते हैं आज हम लोग। मसालों के बारे में क्या कुछ देखा, जैसे आपके मसाले का व्यापार है, प्रिया मसाले इंडस्ट्री आपकी खुद की है, मसाला अचार चाय सारे काम आप करते हो, तो वो आपको क्या दिखा यहाँ पर? देखिए, मसाले में देखें, जहाँ आपने देखा होगा कि स्पाइस बोर्ड भी आया हुआ है जो हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करता है मसाले का, तो स्पाइस बोर्ड में क्या क्या मानक तैयार किए गए हैं, क्या मानक में संशोधन किया गया है, हम लोग कितनी रेसिपी में क्या डाल सकते हैं, कैसी पैकिंग होनी चाहिए, जिसे अभी कुछ नई पैकिंग हमको यहाँ नज़र आई तो आने के ये भी बेनिफिट होता है, भाई हम नई पैकिंग भी अपनी लॉन्च कर सकते हैं। और कुछ नए मसाले भी देखिए अभी सामने हमारे आए, जैसे आजकल देखा हमने कि चाय का एक चाय मसाला अलग अलग फ्लेवर में, कई सारे फ्लेवर में तैयार होकर आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा एक जानकारी और नॉलेज मिलता है इन सब चीज़ों से। मसाले के बाद चाय मसाला भी यहाँ नजर आया आपको? हाँ, चाय मसाला का ऐसा लग रहा है कि इसकी आने वाली डिमांड है और हम लोग भी फोकस करेंगे कि हम चाय मसाला अपना तैयार करें और हो सकता है कि हम 2023 में चाय मसाला भी अपना लॉन्च कर दें ताकि लोगों को चाय के साथ एक चाय का मसाला एक अलग अलग फ्लेवर उससे उपलब्ध हो सकें। जी, अभी हम इलायची में अपनी दे रहे हैं, हालांकि इलायची तो चाय हमारी आ रही है, लेकिन इसमें जैसे गुलाब की खुशबू है, स्ट्रॉबेरी की है, मिंट की है, अलग अलग तमाम प्रकार के यहाँ देखने को मिला, तो ये भी एक शोध का विषय है। बेशक, इसीलिए बड़ी जगहों में आने से कम से कम दिमाग तो खुलता है, कुछ एक नई सोच मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक जो हम लोग अभी चित्रकूट जैसे जनपद में बैठे हैं, वहाँ इन सब चीज़ों को बड़ा अभाव है, कोई जानकारी नहीं मिल पाती, और नई पैकिंग अभी बदल रही है, अभी श्रृंग वगैरह की नई पैकिंग अचार में आ रही है, वो हमें देखने को मिली, कुछ मशीनें हमें ऐसी मिली ऑटोमाइज, जैसे आटा चक्की अभी हमने देखा, चालक तरीके की दिखी है ना, जिनमें एकदम सेफ्टी है और शुद्धता भी है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और पिछली बार मैं मेला में आया था तो अपने अचार के लिए एक मशीन ले भी गया था यहाँ से, तो बढ़िया काम कर रही हो मेरी मशीन जो है, तो ये सब बेनिफिट मिलते हैं इन सब चीज़ों। मतलब आपने 2023 का जो टारगेट फिक्स कर लिया चाय मसाला का, वो जल्दी बुंदेलखंड में दिखेगा? हाँ, 2023 में तो सर हम लोग उतार देंगे, चाय मसाला भी उतारेंगे और हो सकता है कुछ नई चीज़ें भी हम लोग जो है और ऐड करें। अब यहाँ से जाकर के हम अपनी टीम से डिस्कशन करेंगे कि देखिए ये चीज़ें वहाँ नई चीज़ें देखने को मिली हैं, हम लोग इसमें और क्या क्या तैयार कर सकते हैं, तो जो हमारी टीम को लगेगा उस पर हम लोग काम चालू कर देंगे और दिसंबर के बाद जनवरी से हो सकता है कि हम लोग कुछ नए प्रोडक्ट में आए। बेशक, तो नया साल जो प्रिया मसाले इंडस्ट्री का मनने वाला है वो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से सुनिश्चित हो चुका है कि आपको बुंदेलखंड के लोगों को चाय मसाला भी एक प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। और क्या कहते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं कि बड़ी जगह आने से जो एक सोच का विकास होता है, जो थिंकिंग पावर बढ़ती है, इसलिए घूमना ज़रूरी होता है, इसलिए बड़ी जगहों पर जाना ज़रूरी होता है, एक नए आइडियाज आते हैं, तो यही हमने दिखाने की कोशिश की। और ब्रजेश जी के साथ मैं भी चल के आया यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, ये बहुत अच्छी बात रही, मुझे भी कुछ अनुभव मिले जो आगे हम आपको और अपने वीडियोज़ के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल फेयर ट्रेड में जो एक बात लिखी हुई है, गति से प्रगति, एक ऐसी ही प्रगति हम सबको जीवन में करनी होती है, और इस मेला में ये एक बात जो दिख रही है साफ, और ये गति का एक पूरा दिखाया गया है इसमें। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी मेला घूमने आए हुए हैं, आज इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इन्होंने क्या देखा, इनके अपने क्या अनुभव रहे हैं। क्या नाम है आपका? तृप्ति। क्या कहाँ पढ़ते हैं आप?
दिल्ली यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज। मिला, घूमने आई थी आप यहाँ? जी सर। कैसा लगा आपको यहाँ आकर? काफ़ी नया एक्सपीरियंस था, स्पेशली जो हैंडीक्राफ्ट्स थे और खादी का जो स्टफ था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ड्रिंक्स भी काफ़ी अलग थे हेल्दी के साथ। ड्रिंक्स में क्या था? शेक था, हेल्दी टीज थी और टी में, हाँ कॉफ़ी भी थी, बट हेल्दी टीज जो जो ऑप्शन था उसमें एक टैंगी फ्लेवर के साथ वो हेल्दीनेस भी थी, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कॉम्बो लगा था, तो वो अच्छा था। आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? मैं भी सेम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज DU। आपका क्या नाम है? प्रिया त्रिपाठी। आपको क्या खास दिखा मेला में? मुझे मेन हैंडक्राफ्ट जो चीज़ें थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। मतलब एक हमने देखा जो पेपर वर्क से उन्होंने एकदम डिज़ाइन बना रखी थी पूरी, मतलब वॉल हैंगिंग वगैरह वो पेपर वर्क था पूरा, वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग था और मतलब पेपर का फुल यूज़ उन्होंने किया, वो इंटरेस्टिंग लगा काफ़ी। और क्या खास नज़र आया आपको मेला के अंदर? और यहाँ खास था यही ड्रिंक्स भी, हमने काफ़ी सारे ड्रिंक्स और नमकीन्स के भी फ्लेवर ट्राई किए, बहुत सारे नमकीन के फ्लेवर डिफरेंट डिफरेंट थे। दोनों सहेली है लगता है, इसलिए दोनों को ड्रिंक्स और दोनों को ये चीज़ें साथ में ही सारा कुछ, हाँ सारा हमने साथ में विजिट किया है तो साथ में ही पूरा था। बट अगर नोटिस किया जाए, अगर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो उसके लिए काफ़ी सारे आइडियाज़ यहाँ से मिल सकते हैं। जी, अब मेरा मेन उद्देश्य यही यहाँ आने का है, मुझे आगे जाके MBA करना है, तो मेन है मैं बिजनेस आइडिया लेने के लिए मेन यहाँ आई थी। तो आप ये देख सकते हैं कि बच्चे अभी से सोच करके रखे कि उनको आगे जा करके क्या करना है, इन्होंने सोच रखा है कि इनको आगे जा करके MBA करना है, इसलिए वो मेला घूमने आई हैं और यहाँ से कुछ आइडियाज मिल सके इसलिए वो यहाँ आए थे। बने रही हमारे साथ फुल स्टॉप में। जो नाम है हम पढ़ रहे हैं हृदय शक्ति हर्बल टी नाम है जी सर, तो नाम का क्या कारण है हृदय शक्ति नाम रखा? ये हमारे हार्ट के लिए काफी अच्छा होता है सर, ये हमारे हार्ट के लिए काफी अच्छा होता है क्योंकि इसमें हमारे अर्जुन की छाल और दालचीनी होता है। इसके साथ में और भी सारे हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, जैसे कि अर्जुन की छाल, दालचीनी, ग्रीन टी, नींबू, तुलसी, इलायची, जीरा, लौंग, सोंठ, काली मिर्च, काला नमक, देसी खांड, ये सारे हमारे बेनिफिशियल अच्छे हैं इसके। ये अपने हार्ट में जो है ब्लॉक नसों को भी टोन करने में हेल्प करता है, प्लस अपने ब्लड को पतला करता है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, इसके अलावा में डाइजेशन में हेल्प करता है, एक्स्ट्रा फैट में भी नियंत्रण करता है, टॉक्सिन शरीर से निकालने में सहायता करता है।